अब तक आपने देखा हमारा रास्ता रोक लिया जानत हो मनोहर ठाकुर का रास्ता रोकने का अंजाम का होत है चाहे परलय का है ना हमारे जीते जी हमारी धर्म पत्नी को कोई हाथ नहीं लगा सकता तो एक बार सजा तजवीज कर दी गई है होगी अब देखिए आगे और यही है हमारा करैक्टर दोस्त अगर पूनम का तो हमारा भी है दत्ता जी कैसे कि अर्धांगिनी है वो हमारी पति हैं हम उनके अगर किसी बर्ताव के लिए वो गलत हैं तो उसमें हम भी दोषी पति होने के नाते उन पे काबू नहीं कर पाए तो आपको सजा देनी तो हमको दीजिए कहां सन बक रहा है रेखा दुल्हन पत्नी को नियंत्रण में रखना एक पति का धर्म होता है आज इस हवेली मां एक ऐसी मिसाल कायम करता हूं जो इस हवेलिया की आने वाली पीढ़ियां आने वाली नस्लें भूल नहीं पाएंगी हाय इस औरत की किस्मत ये फिर बच गई बस 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 कीजिए दत्ता जी बस कीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए माफ कर दीजिए दत्ता जी से माफ होगी दत्ता जी माफ कर दीजिए रोक लीजिए अपना हाथ हम वादा करते ऐसी नौबत दोबारा नहीं आएगी माफ कर दीजिए
बेटा कहाँ लगा बेटा ऊपर तो रहा ना इलाज रो कह रही मरे नहीं है नहीं अरे बहुत स्वादिष्ट है खाओ ना इधर आ ये उनमें अरे धन्यवाद अगर आपने सही समय पर फोन नहीं किया होता तो आज हम दत्ता जी से पूनम को नहीं बचा पाते धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए लाखन आज पुन्मी का साथ देकर आपने ये साबित कर दिया कि आप पुन्मी के लिए एक आदर्श पति हैं हमें गर्व है आप पर भाभी हमको लगता है कि किसी ने जानबूझकर पूनम को भांग किया ताकि वो ये सब नौटंकी करे क्या लगता है आपको किसका हाथ हो सकता है कहा हमें लाखन को इस बारे में बताना चाहिए शायद नहीं उन्मी ने कहा था कि सब मर्दों को विंध्या की हरकतों के बारे में मालूम हुआ तो गोलियां चल जाएं। खास तौर से अगर हमने लाखन को ये बात बता दी तो रेखा चाची भी पुण्य के खिलाफ विंध्या के साथ है तो ये बवाल खड़ा कर देंगे नहीं हमें इस बारे में कुछ नहीं पता आप पूनम को दही खिला दीजिएगा उससे उसका नशा उतर जाएगा आपसे बात नहीं करेंगे हाँ आपसे गुस्सा है क्या है हमें झूठ बोल के अकेला छोड़ के चले गए थे सॉरी गलती हो कान पकड़ के सॉरी बोलो अब कान गलती हो गई दोबारा तो नहीं जाओगी ना नहीं पक्का अरे कहाँ चोट कहाँ लगी चोट लगी है आपको दर्द हो रहा होगा ना अरे हम बिल्कुल ठीक हैं सच्ची मुच्ची अच्छा सुनो दही है दही तुम खा लो नहीं पहले आपको दवाई लगाएंगे नहीं पहले दही खाओ दवाई ठीक हम जाते हैं नहीं 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 Oh.
अरे पगला गई हैं क्या? क्या कर रही हैं आप? किस बात की सजा दे रही हैं अपने आप को? किस बात की सजा दे रहे हो? हमारे बेटे को जो इतना कूड़ा पड़ा ना, हमारी वजह से मिली हो? कितनी जिद्द से उसको बड़ा किया लखन को, बड़े लाजो से पाला हमने हमारे बेटे को मिल दिया, एक उदास नहीं आने दी और आज जितना दर्द सहना हमारा बेटा ने आज, उससे ज्यादा दर्द देंगे हम अपने आप को। सासू माँ बात सुनिए हमारी, वो जो कुछ भी हुआ ना, आप जिम्मेदार नहीं है, आपकी वजह से नहीं हुआ है, ये सब पूनम की वजह से। वो पूनम का सजा अपने ऊपर लिया ना, पूनम ने जाके दादाजी को सब बोला ना, वो पूनम को कोड़े पड़ने वाले थे ना, और उमार लाखन ठाकुर अपने पर ले लिया, और पूनम काकी टुन होकर पूरे घर में घूम रहे। कैसे टुन होकर घूम रहे थे विद्या, बताओ? हमने मिला ना उसके नाश्ता में बात, वही खाया ना उस लड़की ने, तो उसे जब काहे भुगते की विद्या? हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। लाखन उसको लेकर गया था ना, घर में जाके घर बंद कर दिए थे, और हम झूठ बोलकर ताला खोल कर उसको लेकर आए हैं। बाप काहे के लिए? तमाशा देखना था हमको, सब बंद कर दे तो तमाशा देखना, हमको बैठ के देख लियो ना, तमाशा देख लिया विद्या। हम उस लड़की को बाहर ना निकालते, दत्ता जी को पता तक नहीं चलता, और हमारे बेटे पर फोड़ना पड़ती विद्या। हम जिम्मेदार। अच्छा ठीक है, मान माना कि आपकी वजह से हो, लेकिन ये सब आपने क्यों किया? पूनम से कोनो खानदानी दुश्मनी थोड़ी है आपकी, नहीं ना? अगर आप पूनम से गुस्सा हैं, तो उसके पीछे भी पूनम की कोनो गलती होगी ना। पूनम का सबसे बड़ी गलती है कि वो लाखन ठाकुर से शादी की। हो रही थी ना उसकी शादी प्रियम ठाकुर से, लेकिन प्रियम ठाकुर को धोखा देके वो लाखन ठाकुर के पास चली गई, जाके उनके साथ मंडप में बैठ गई। और जब से लाखन ठाकुर से शादी हुई है ना, तब से लाखन ठाकुर आपसे दूर है। जब देखो तब लाखन ठाकुर आपको नीचा दिखाते रहते, आपकी बेइज्जती करते रहते, पूनम चुपचाप खड़ी होकर देखती रहती है। कभी बोली? एक बार भी बोली कि लाखन ठाकुर ही तुम्हारी माँ है, इसके साथ ऐसा मत करो? नहीं बोली ना। उसकी वजह से लाखन ठाकुर आपसे दूर हो गए, और कोई भी माँ ना अपने बेटे को अपने पास लाने के लिए ऐसा ही करती जैसे आप की है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अगर गलती है तो सिर्फ पूनम की, ये सब पूनम की वजह से ही तो हो रहा है। सही कह रही हूँ, लाखन से शादी ना करती वो लड़की तो आज ही दिन देख लेंगे। पता है जब से शादी करके घर में आई है ना, हमारा बेटा हमसे दूर जा रहा है विद्या, साथ ही जैसा व्यवहार करता है हमसे, पता है? कभी आगे नहीं पूछता अम्मा कैसी है, साथ ही जैसा व्यवहार करता है हमारे साथ हमेशा। हमारे बेटे को दूर किया ना हमसे, उसकी सारी खुशियां दूर कर देंगे, छीन लेंगे, हमारे बेटे की जिंदगी नरक बना दिया उस लड़की ने, हमारी जिंदगी नरक बना दी, अब उसकी जिंदगी नरक बनाएंगे, नरक बनाएंगे ना, बनाएंगे ना उसकी जिंदगी नरक, नहीं छोड़ेंगे उसको।
हाँ सस्मा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अच्छा हुआ सासू माँ हमारी बात मान गई, कहीं पुत्र मोह में ये हमारा साथ छोड़ देती ना, तो ये जंग हम अकेले तो नहीं लड़ पाते। ये बुद्धि मंचिता के घर क्यों जा रही है? हम जाकर देखते हैं। हसुमा, आप बैठिए। हाँ, आप आराम कीजिए, हम थोड़ी देर में आकर आपसे मिलते हैं, ठीक है? आते हैं। नाम अब हो गया, सो जा। देखो दवाई अब लग गई, छोड़ो। अब सो जा। चलो सो जाओ, चलो। तो सो जाओ, देखो सो जाओ, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। चलो सो जाओ। अब आंखें बंद, चलो आंखें बंद करो। डूबे ना आचल दिन को रोके, धूप के पीछे दौड़े, छुबे ना वो साथी रे, वो साथी रे, दिन डूबे ना। दूर तुमसे सच्ची में बहुत प्यार करते, तुम्हारे बिना जीना पड़, ऐसे जिंदगी बारे में सोच भी नहीं सकते। अपना प्यार साबित करने के लिए तुम हमें जो कहो हम वो करने को तैयार हैं, कुछ भी। फिर तो तुम मान जाओगे ना हमारा प्यार सच्चा है। हम तुम्हें चूमना चाहते हैं। क्या उससे साबित हो जाएगा? फिर से सवाल। देखिए बुड्ढी जी, आप ये सब बोल के हमें कभी यकीन नहीं करा सकते कि आप उनसे प्यार करते हैं। फोन का इंतजार करना, प्रियम भैया के पुराने वाले अड्डे पे मिलेंगे, सुना है वहां पे कोई आता जाता नहीं है। ठीक है, ठीक है।
वहां। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। हमको कोठे पर बिठाया था ना इन लोगों ने। अब इन ठाकुरों को पता चलेगा जब घर की बेटी की इज्जत नीलाम होती है ना, कैसा लगता है। अब होगा हमारा बदला पूरा, मिलेगा हमारे दिल को सुकून।